हेलो एवरीवन, मैं रमन तुम्हारे घर स्वागत करता हूँ आप सभी का नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एसबी ऑर्डर नंबर 20 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि 26/10/2023 को रिलीज हुआ था। और देन इसके सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। इसका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ ओपनिंग ऑफ MIS मंथली इनकम स्कीम अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट SCSS अकाउंट, एंड महिला सामान सेविंग सर्टिफिकेट MSSC थ्रू DOP इंटरनेट बैंकिंग। इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अपने पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट होता है उस पर DOP बैंकिंग की सुविधा, DOP इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाता है। तो जो लोग DOP इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं वो लोग अब MIS अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अकाउंट और महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के जो अकाउंट्स हैं इनको अब ओपन कर सकते हैं। ये आज का सब्जेक्ट है। देन हम लोग जानते हैं कि इसमें इस SBI ऑर्डर में और क्या क्या बताया हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखें कि जो लोग पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट यूज कर रहे हैं उनको और डिजिटल करने के लिए, उनके ट्रांजेक्शंस को और डिजिटल करने के लिए, उनको और सुविधा मुहैया कराने के लिए अब MIS, SCSS, MSSC के जो अकाउंट्स हैं वो DOP इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू 20/10/2023 से ये अकाउंट अब वहां पर ओपन हो सकते हैं। जो लोग इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं वो यूज कर सकते हैं, वो अकाउंट अपने यूज कर सकते हैं या खुलवा सकते हैं। खोलना कैसे है कि DOP इंटरनेट बैंकिंग में एक टैब है जनरल सर्विसेज, वहां पर जाकर के आप MIS, SCSS और MSSC के अकाउंट्स हैं वो खोल सकते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना है। देन जो लोग प्रैक्टिकल करेंगे इसका, यानी कि जिनको वास्तव में खोलना है, उनको DOP इंटरनेट बैंकिंग में जाके लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जनरल सर्विसेज के नाम से एक टैब है, वहां पर क्लिक करें। देन सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करनी है, देन न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करनी है, उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। देन जिनको अकाउंट MIS का खोलना है वो MIS अकाउंट पे ओपन करेंगे, वहां पर लिंक क्लिक करेंगे। और MSSC के अकाउंट जिनको खोलना है वो वहां पर क्लिक करेंगे। सीनियर सिटीजन का खोलना है तो ये सीनियर सिटीजन वाले टैब पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद में कितना अमाउंट से आपको खोलना है, तो मिनिमम अकाउंट की जो लिमिट होती है कि मिनिमम इतने बैलेंस से खोला जाएगा, जैसे MIS का अकाउंट मिनिमम 1,000 रुपए से खोला जाएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के भी 1,000 से खोले जाते हैं, और उसके बाद में महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट ये भी 1,000 से खोले जाते हैं। तो ये जो लिमिट्स हैं ये आप लोगों को ध्यान रखनी है, कम से कम इतने खोलने हैं, मैक्सिमम की जो लिमिट है वो भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। जैसे कि MIS का जो सिंगल अकाउंट है पहले ये 4.5 लाख रुपए से खोला जाता था, इसकी लिमिट अब बढ़ा करके 9 लाख कर दी है। MIS का जो ज्वाइंट अकाउंट है उसकी लिमिट पहले 9 लाख थी, जिसको बढ़ा करके अब 15 लाख कर दिया गया है। ये मैक्सिमम लिमिट्स भी आप लोग याद रखेंगे, इससे ज्यादा के नहीं खुलेंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अकाउंट्स पहले 15 लाख की मैक्सिमम लिमिट थी, अब ये लिमिट 30 लाख हो गई है। तो ये भी लिमिट्स ध्यान रखें। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का ध्यान रखें, इसकी जो मैक्सिमम की लिमिट है वो 2 लाख रुपए है, इससे ज्यादा के अकाउंट नहीं खुलेंगे। तो जो रूल्स हैं वो सेम रहेंगे, जो भी आप लोग ऑनलाइन खोलें या ऑफलाइन खोलें, जैसे भी खोलेंगे आप लोग सेम रहेंगे जो रूल्स हैं। देन आपके अकाउंट से जो आपका लिंक POSA अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है, वहां से आपका जितना भी अमाउंट से आप खोलेंगे वो आपका डेबिट हो जाएगा, वहां से वैसे ही विड्रॉल होगा। आपको ट्रांजेक्शन रिमार्क लिखना है तो लिख सकते हैं अगर नेसेसरी है तो। देन उसके बाद में चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स का मतलब होता है कि जो इस तरीके के चेक बॉक्स है इन पर आपको क्लिक करना है, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबमिट ऑनलाइन करना है, देन रिमार्क अगर आप करना चाहे लिख सकते हैं, ट्रांजेक्शन का पासवर्ड जो भी है वो लिखेंगे, देन सबमिट। देन आप लोग डिपॉजिट की जो रिसीप्ट है उसको देख भी सकते हैं और साथ के साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका अकाउंट खुल जाएगा, और उसके बाद में थोड़े से समय के बाद में आप लोग इसे देख सकते हैं कि आपका अकाउंट खुला कि नहीं खुला, और या फिर आप लोग दोबारा से इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट की समरी क्या है। इस तरीके से आप लोगों को अकाउंट खोलें। और साथ के साथ और क्या ध्यान रखना है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगल अकाउंट ही खोल सकते हैं, ज्वाइंट अकाउंट पॉसिबल नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। आपके साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जिनके अकाउंट POSA अकाउंट है,
सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति ही इस खाते को खोल सकते हैं, और जो इस अकाउंट में नॉमिनी है वो इन अकाउंट से मतलब MIS के अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अकाउंट, और साथ के साथ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के अकाउंट्स हैं, इसका जो नॉमिनी है सेम इनमें जो नॉमिनी बनाओगे वो नॉमिनी आपको यहाँ भी बनाने होंगे। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखें। और एक जो मेजर चेंज है इनमें वो ये है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के जब भी अकाउंट आप लोग खोलोगे ऑनलाइन तरीके से DOP इंटरनेट बैंकिंग से, तब जो जमा करता है उसकी एज 60 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि इसकी जो लिमिट है वो 50 ईयर्स है, 50 ईयर्स प्लस या 50 ईयर या 50 से प्लस। तो 60 से कम वाले की एज है और 50 या 50 से ऊपर है, 50 या 50 प्लस, और 60 से नीचे वाले जो लोग हैं उनको ऑफलाइन अकाउंट ही खोलने पड़ेंगे, वो लोग DOP इंटरनेट बैंकिंग से ना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो अकाउंट है वो ओपन नहीं करवा पाएंगे। यहाँ पर एक लिमिट है कि उनको 60 की एज हो या उससे ऊपर का हो। देन आपके जो MIS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के जो अकाउंट है इनको आप लोग ओपन कर सकते हैं, लेकिन क्लोज अभी नहीं कर सकते हैं, यानी कि अभी तक से मतलब ये जो SBI ऑर्डर आया है तब तक, क्योंकि आप इस SBI ऑर्डर को आज से 5 साल बाद पढ़ेंगे, आज से 5 साल बाद पढ़े या 2 साल बाद पढ़े या 2 महीने बाद पढ़े, कभी भी पढ़े आप लोग इसको, तो जरूरी नहीं है कि इस टाइम पीरियड तक आपकी जो फैसिलिटी है वो चेंज हुई है कि नहीं हुई है। कहने का मतलब यह है कि SBI ऑर्डर ये जब रिलीज हुआ था तब तक ये फैसिलिटी नहीं थी कि आप लोग ये जो 3 अकाउंट है इनको क्लोज करवा पाए। लेटेस्ट अभी SBI ऑर्डर को आ जाएगा या अभी अपडेट हो जाएगा इसमें, तो हो सकता है कि अकाउंट्स भी क्लोज होने लग गया है। तो फिलहाल के लिए आप लोग ये समझे कि ये अकाउंट्स हैं वो अभी ओपन ही हो सकते हैं, क्लोज नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को और क्या ध्यान रखना है कि ये इन्होंने एक बढ़िया टेबल बना के दी है, और शानदार टेबल ये है कि जो RD के अकाउंट्स हैं वो आज की डेट तक, यानी कि जब ये SBI ऑर्डर आया था तब तक ये अकाउंट्स ओपन भी होते हैं क्लोज भी हो जाते हैं, यानी कि ऑनलाइन खुल भी जाएंगे और ऑनलाइन क्लोज भी हो जाएगा। TD के अकाउंट सेम ओपन एंड क्लोज, MIS के अकाउंट सेम ओपन लेकिन क्लोज नहीं हो रहे अभी, PPF के अकाउंट ओपन एंड क्लोज, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अकाउंट ओपन लेकिन क्लोज नहीं हो रहे अभी, देन KVP के अकाउंट्स ओपन एंड क्लोज, NSC के अकाउंट्स ओपन एंड क्लोज, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के अकाउंट्स ओपन लेकिन क्लोज अभी नहीं हो रहे हैं। तो इनमें ये कुछ दिनों के बाद में एक अपडेट आ जाएगा और ये भी क्लोज होने लग जाएंगे। तो इस SBI ऑर्डर में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना था कि जो MIS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और आपका जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के जो अकाउंट्स है वो DOP इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ओपन हो रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तारीख कौन सी ध्यान रखनी है, कब से ओपन हो रहे हैं ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो इसकी जो तारीख है वो है 20/10/2023। कौन सी तारीख है, ये तारीख है 20/10/2023। तो हम लोग चलते हैं अपनी डेट्स पर। ये जो डेट्स है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि किस डेट से ये अकाउंट्स है वो ओपन हो रहे थे। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ ये कब से ओपन हो रहे हैं, एक बार आप लोग और इसे ध्यान से देख ले रहे। यस, ये रहा 20/10/2023 से ये अकाउंट्स अब ओपन हो रहे हैं, आप लोग इसका भी ध्यान रखें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड, ये है अंतिम वीडियो का, धन्यवाद।